जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक के आह्वान पर राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ सोमवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज में खेलकूद बालिका सुरक्षा एवं सुमंगला योजना को लेकर बैठक की गई। जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होती है, किस विद्यालय की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा उसके बारे में बैठक कर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही विद्यालय से संबंधित प्रधानाचार्य से जुड़ी बातें हैं, सरकार द्वारा चलाई जा रही है विभिन्न योजनाओं उनके बारे में भी प्रधानाचार्यों से चर्चा की गई। इस मौके पर सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक ओम दत्त सिंह, इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र सिंह, जिला क्रीड़ा अध्यक्ष कृष्णकांत सहित जिले के राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य और खेल शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक ओम दत्त सिंह ने कहा, मेरा नाम ओम दत्त सिंह, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षकपुर। हाँ, ये आज जो जनपद स्तरीय जो खेलकूद प्रतियोगिता होती है उसमें किस विद्यालय को कौन से खेल के लिए किन तिथियों में आयोजित करना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा होती है। साथ ही तहसील स्तर पर जो खेलकूद प्रतियोगिता की जाती है उसके लिए किस विद्यालय को दायित्व सौंपा जाए, जो तहसील स्तर पर कार्यक्रम करा करके जनपद पर बच्चों को प्रतिभाग करने हेतु भेजे। साथ ही अन्य जो विद्यालय संबंधी प्रधानाचार्य से जुड़ी जो बातें हैं, जैसे सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो संचालित की जा रही हैं उनके बारे में भी खेलकूद संबंधित बात समाप्त होने के बाद उस पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में कौन कौन लोग शामिल? इस बैठक में जनपद के समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य और जो खेल प्रशिक्षक जो खेल अध्यापक हैं उनको आमंत्रित किया गया है। साथ ही कुछ योजनाएं हैं जो दूसरे विभाग द्वारा संचालित होती है उनको भी आमंत्रित किया गया है। अभी वो उपस्थित नहीं हुए हैं, जब वो उपस्थित हो जाएंगे तो वो अपने योजना के बारे में भी प्रकाश डालेंगे।